हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल खोला है आप सभी के लिए, और अगर आप मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो प्लीज़ उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आज तक आप लोग मुझसे बहुत कुछ सीखे हो, तो अब बारी आपकी है कि आप अपना प्यार दिखाओ और जाकर प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पता ही है मैं हर वीडियो में अब Q&A से रिलेटेड एक क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो आज का सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAC ब्लॉक? इसका जवाब अगर आपको पता है तो जल्द से जल्द आप कमेंट में रिप्लाई कर दें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं इसका जवाब बताने वाला हूँ। तो देखते हैं किसे किसे पता है इस सवाल का जवाब। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्रिकवर्क में जो मोटर यूज होती है, उस मोटर में जो सीमेंट सैंड और वाटर यूज होता है उसका क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, ठीक है? पूरे डिटेल्स में आज हम जानेंगे, सारे वेस्टेज कैलकुलेशन से लेके के वाटर के कैलकुलेशन को पकड़ेंगे आज हम लोग, और पूरे डिटेल्स में आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो को। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। अगर वो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम पानी हो जाएगा और आप खुद ही इस वीडियो को सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करोगे, और सॉल्व करके फिर मेरे वीडियो से मिला लेना कि कैसा रिजल्ट रहा आपका। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर ये वीडियो 1000 लाइक्स क्रॉस करता है तो नेक्स्ट वीडियो मेरा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के ऊपर आने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगर ये वीडियो 1000 लाइक्स क्रॉस कर दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का BBS लाऊंगा, बार बेंडिंग शेड्यूल मैं लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो जितनी जल्दी लाइक करोगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरा ये एक ब्रिक वॉल है, ठीक है? इस ब्रिक वॉल को अगर हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल मतलब क्या हो गया, ये पूरा ब्रिक वॉल का वॉल्यूम। इसको क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। इसके अंदर जो ब्रिक हम बैठाने वाले हैं उसका टोटल वॉल्यूम, मतलब जितना भी ब्रिक बैठने वाला है इंडिविजुअल, उन टोटल का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ मोटर। ये साइड साइड में जो मोटर है, ये मोटर, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक प्लस वॉल्यूम ऑफ मोटर मिलाकर क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, राइट? अब इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम ऑफ मोटर निकाल सकते हैं। एक्चुअली मैं फंडा समझा रहा हूँ, देखिए वॉल्यूम ऑफ मोटर कैसे निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ मोटर कैसे निकलेगा, इस टोटल वॉल का जो वॉल्यूम है उससे अगर हम इस ब्रिक का वॉल्यूम माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, सारा मोटर हमारा निकल जाएगा, ठीक है? ये जो मोटर है, इस मोटर को निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना पड़ेगा, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कौन सा, विदाउट मोटर। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल हम जानते हैं, जो हम कंसिडर किए हैं 10 क्यूबिक मीटर इस वीडियो में, ठीक है? इस 10 क्यूबिक मीटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक भी है प्लस क्या है, वॉल्यूम ऑफ मोटर भी है। इस वीडियो का मेन मकसद मेरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ मोटर निकालना। मोटर निकाल लेंगे तभी तो हम लोग सीमेंट सैंड और वाटर का क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है? तो इस मोटर को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वो भी विदाउट मोटर पहले। ये एक पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरा, ठीक है? चलिए अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपने फंडा समझ लिया, चलिए एक सम्स उस पे करके देख लेते हैं। हमने जो यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर किया है ब्रिकवर्क के लिए वो है 10 क्यूबिक मीटर, देख रहे हैं आप, 10 क्यूबिक मीटर, राइट? मोटर थिकनेस हमने पकड़ा है यहाँ पे 10 mm, या आपके ऊपर है आप कितना पकड़ेंगे, 15 भी पकड़ सकते हैं। सीमेंट सैंड का जो रेशियो है मैंने पकड़ा है 1:6, 1 part सीमेंट तो 6 part सैंड। साइज ऑफ ब्रिक मैंने यहाँ पकड़ा है मॉड्यूलर ब्रिक, मॉड्यूलर ब्रिक जिसका साइज होता है 190 mm × 90 mm × 90 mm। इसमें अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, अगर ये ब्रिक है तो ये पार्ट मेरा 190 mm है, सेकेंड वाला 90 mm मेरा ये पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट ये वाला है,
और लास्ट में जो आप 90 mm देख रहे हैं, ये मेरा ये हाइट है, ठीक है, 90 mm। तो आप ये समझ गए कौन सा लेंथ ब्रेथ और हाइट है यहाँ पे। आप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आप देखते ही आप बोलोगे सर अभी आप तो कुछ और बताए विदाउट मॉर्टर निकालने के लिए, लेकिन देखिए हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, साइज ऑफ ब्रिक विद मॉर्टर। इस सम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे मन में सबसे पहला सवाल जो आएगा, हमें तो जानना है कि वो जो 10 क्यूबिक मीटर का वॉल है उसमें कितना ब्रिक्स लगने वाला है, पहले वो मैं निकालने वाला हूँ। तो उसको निकालने के लिए सपोज ये मेरा वॉल था, हाँ, इस वॉल में जो हम ब्रिक्स निकालेंगे वो तो मोर्टर के साथ इंक्लूड है ना, समझे मेरी बात। ये जो वॉल है इसमें जो ब्रिक्स लग रहा है वो मोर्टर के साथ इंक्लूड है, इसलिए हम जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे उसमें ब्रिक का जो साइज पकड़ेंगे वो इंक्लूडिंग मोर्टर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, आप साइज ऑफ ब्रिक विथ मोर्टर, विथ मोर्टर साइज क्या हो जाएगा, हमने मोर्टर का थिकनेस 10 mm पकड़ा था तो जो साइज ब्रिक का साइज है उसमें 10 mm बढ़ जाएगा, मतलब ये 190 mm है ना, तो 10 mm बढ़ा दो 200 mm, 90 mm हो जाएगा 100 mm, ये भी 100 mm। तो वही मैंने यहाँ लिखा है साइज ऑफ ब्रिक विथ मोर्टर 200 mm × 200 mm × 100 mm। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टर, देख लीजिए विथ मोर्टर निकाल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट फॉर्मूला है, 0.2 × 0.1 × 0.1, ये मैंने क्या किया मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको 1000 से डिवाइड किया हूँ तो 0.2 आएगा, सेम इसे भी 1000 से डिवाइड कर दिया हूँ, तो हमारा एक ब्रिक का वॉल्यूम विथ मोर्टर कितना निकला, 0.002 क्यूबिक मीटर। अब हम इससे निकाल लेंगे कि जो हमारा ब्रिक वॉल है उसमें टोटल कितने ब्रिक्स हमारा लगने वाला है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 10 क्यूबिक मीटर कितना होगा, फॉर्मूला होता है जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिखाया है, अगर नहीं देखा है तो आपने जाके वहां से देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कंसिडर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोर्टर। आप ये करोगे तो 5000 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारा लगेगा 10 क्यूबिक मीटर वॉल के लिए। अगर आप क्या करते विथ मोर्टर नहीं लेकर सिर्फ साइज ऑफ ब्रिक ले लेते तो जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलता वो ज्यादा निकल जाता, मुझे उतना चाहिए नहीं, जितना ईटा लगेगा इस वॉल्यूम के लिए मैं तो उतना ही निकालूंगा ना, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 10 क्यूबिक मीटर निकल चुका है इतना। अब 10 क्यूबिक मीटर में अगर इतना ईटा लग रहा है तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं कितना लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोर्टर कितना था, हमने देखा यहाँ पे 190 mm × 90 mm × 90 mm, ये मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको अगर निकालेंगे तो ये मेरा आ गया वॉल्यूम एक ईटा का, वो भी विदाउट मोर्टर। तो टोटल ईटा कितना लगने वाला है उस ब्रिक वॉल में, 5000 नंबर्स। तो वॉल्यूम कवर्ड बाय 5000 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, एक ईटा का वॉल्यूम ये है तो 5000 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 7.695 क्यूबिक मीटर। तो ये तो हम समझ गए कि 10 क्यूबिक मीटर वॉल के लिए ब्रिक वॉल के लिए हमारा जो ब्रिक्स यहाँ पे लग रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, 7.695। तो बाकी रिमेनिंग 10 क्यूबिक मीटर में क्या है, हमारा मोर्टर है, वही यहाँ से हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क जो कि हमारा है 10 क्यूबिक मीटर माइनस वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक्स हमने अभी निकाला 7.695, तो 10 − 7.695 2.305। 2.305 मेरा क्या निकला, मोटर का वॉल्यूम निकला, ठीक है। अब क्या उसी को लेके हम लोग कैलकुलेशन चालू कर देंगे, जी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। देखिए ड्यू टू फ्रॉक फिलिंग, फ्रॉक आप जानते ही हो, मेरे अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा है अच्छी तरह से देखा है तो फ्रॉक क्या होता है, ब्रिक के ऊपर में जो डिप्रेशन होता है, देखिएगा ब्रिक के ऊपर में ये गड्ढा होता है, ठीक है, इस गड्ढे को भरने के लिए भी हमारा मोटर लगता है, तो इसी चीज को कहा जाता है फ्रॉग, ठीक है। इस फ्रॉग का मतलब मेढक नहीं होता है, डिप्रेशन बोला जाता है इसे। तो ड्यू टू फ्रॉग फिलिंग, ब्रिक ज्वाइंट फिलिंग एंड वेस्टेज, ये फ्रॉग के लिए, वेस्टेज के लिए, ज्वाइंट फिलिंग के लिए, कुछ इन सभी चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द क्वांटिटी बाई 15%। जो हमारा यहाँ पे मोटर का वॉल्यूम निकला है
इसका क्या करेंगे, और 15% बढ़ा देंगे। ठीक है, एक्चुअली ये जो निकला है ये मेरा वेट वॉल्यूम ही है, लेकिन वेट वॉल्यूम अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। फाइनल क्या होगा जब 15% इसमें इंक्रीज कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर कितना होगा, 2.305 जो कि ये था, प्लस 15% और बढ़ा दो फ्रॉग जॉइंट वेस्टेज के लिए। ठीक है, तो जब 15% बढ़ा देंगे तो आएगा 2.651 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो 2.651 जो निकला है वो मेरा है वेट मोटर। अब उसे क्या करना है, हमें ड्राई में कन्वर्ट करना होगा। ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं मोटर के लिए होता है 33% इंक्रीज करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर क्या होगा, 2.651 प्लस 33% ऑफ 2.651। ठीक है, तो इसे ऐड करके कैलकुलेशन कर लेना आप, देखना 3.526 आएगा क्यूबिक मीटर। तो एक्चुअल मेरा जो जिस क्वांटिटी पे हम लोग वर्कआउट करेंगे वो है 3.526 क्यूबिक मीटर। यह है हमारा ड्राई वॉल्यूम। तो हमने देखा है सीमेंट और सैंड रेशियो हमने पकड़ा है 1:6। अब चलिए हम लोग मटेरियल कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड निकाल लेंगे जो कि होगा 1+6=7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीमेंट निकालते हैं। सीमेंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टर इनटू रेशियो ऑफ सीमेंट बाय सम ऑफ रेशियो इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टर हमने अभी निकाला 3.526 इनटू सम रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है, यहाँ पे देखिए 1 है, बाय सम ऑफ रेशियो भी हमने निकाला 7, बैठा दो, इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440 केजी पर एम क्यूब, तो 1440 केजी ये बैठाया मैंने यहाँ पे। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 725.348 केजी। ठीक है, आप जानते ही हो इंडिया में एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो होता है 50 केजी। तो अगर इस केजी को आप बैग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको 50 से डिवाइड कर देना, तो आपका निकलेगा 14.51 बैग्स। तो सीमेंट हमारा निकल गया 14.51 बैग्स। अब हम जब बढ़ते हैं आगे सैंड की ओर, सैंड का भी सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टर इनटू रेशियो ऑफ सैंड बाय सम ऑफ सैंड इनटू 35.3147। ये 35.3147 क्या है मैं बताता हूँ, इसको अभी आप भूल जाओ, बस इतना ही याद रखो। चलिए इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टर कितना है मेरा 3.526। ठीक है, इनटू रेशियो ऑफ सैंड, रेशियो ऑफ सैंड कितना है 6 बाय सम ऑफ रेशियो कितना है 7। अगर सिर्फ आप 3.526 इनटू 6 बाय 7 करते हो तो आपका जो आंसर आएगा उसका यूनिट होगा क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर, उसको अगर आप 35.3147 से ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है क्यूबिक फीट में। ठीक है, एक्चुअली ये एक कन्वर्शन फैक्टर है, 1 क्यूबिक मीटर होता है 35.3147 CFT। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्यूबिक मीटर आंसर देता, इसमें तब ये मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये हो जा रहा है CFT में, 107 CFT सैंड हमारा लगेगा। अब हम बढ़ते हैं वाटर के लिए, जो मैं अभी तक बताया नहीं था मेरे किसी भी वीडियो में। तो वाटर का जो कैलकुलेशन है वो जनरली हम लोग साइट पे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, 20 से 22 किलो, 22.5 किलो तक एक बैग सीमेंट में हमारा पानी लगता है, ये हम देखे हैं। ठीक है, जनरली साइट पे अगर हमारा सैंड SSD कंडीशन में है तो, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में है तो। ठीक है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, अगर समर है तो हमारा पानी हो सकता है ज़्यादा लगे, सीमेंट के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मॉइस्चर है सीमेंट में नमी है तो पानी हो सकता है कम लगे। ठीक है, तो जनरली मैं देखा हूँ जो 20 से 22 लीटर तक एक पैक सीमेंट में हमारा पानी लगता है। तो बहुत जगह हम लोग अगर वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करेंगे तो 0.45 मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर बाय सीमेंट इज इक्वल टू 0.45, ये मैंने यहाँ से देख लिया। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे हो कि आपके साइड पे तो मोटर जो बनता है वो कोई मिक्स डिजाइन होकर नहीं बनता है, बट मैं बताऊं बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में इसके लिए भी मिक्स डिजाइन किया जाता है, और वाटर सीमेंट रेशियो पकड़ के ही इसका सीमेंट का मोटर का मिक्सिंग होता है। ठीक है, मैं ये देखा हूँ खुद, तो यहाँ पे देख लीजिए वाटर बाई सीमेंट इज इक्वल टू 0.45, यहाँ से हम वाटर निकालेंगे तो वाटर इज इक्वल टू 0.45 इंटू सीमेंट, सीमेंट यहाँ पे जो है वो है हमारा केजी में। ठीक है, तो इंटू 725.348 जो भी हमने निकाला यहाँ पे केजी में, यहाँ से हमें पता चल रहा है 3 to 6 लीटर हमारा पानी लगने वाला है इस कैलकुलेशन को करने के लिए। ठीक है, तो यह है हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा
जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAC ब्लॉक। तो इसका सही जवाब है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। जिसने जिसने सही जवाब दिया, वेरी गुड। और प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो मैंने न्यू चैनल खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।